हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम आपके फ्रेंड्स आ रहा हूँ। तो अगेन आई कैम बैक विद द न्यू वीडियो। तो सीरियल अगर मैं किसी के प्यार में, हम इसके आपको 10 फरवरी का फुल एपिसोड डिटेल्स बताएंगे। तो हमारे चैनल पर देखते रहिए, अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ आके सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सीरियल अभी तक में ये था कि जो विराट है, जो अपनी वाइफ को लेके जाना चाह रहा था, जो साई को कहता है कि पैकिंग कर लो, और वो टिकट्स बुक करने के लिए ऑफिस चले जाता है और वहाँ से 3 टिकट बुक कर देता है। और वहाँ से बुक करने के बाद वो सीधा पाकी को कॉल करता है और कहता है कि पाकी, मैंने टिकट बुक कर दी, फ़्लाइट के डिटेल्स मैंने तुम्हें फ़ोन पे सेंड कर दी है, और उसके हिसाब से तुम तैयारी कर लेना। तो पाकी कहती है ठीक है, मैं तैयारी कर लूँगी। उतने में साई का कॉल आ जाता है विराट को लैंडलाइन पर, और विराट कॉल उठाता है। साई कह के कहता है, पाकी सुन लेती है कि वो साई का ही कॉल है, लेकिन विराट कहता है कि साई तुम होल्ड करना, मैं अभी बात करूँगा। पाकी को कहता है कि पाकी मैं रखता हूँ, मैं बाद में बात करूँगा, कुछ इंपॉर्टेंट कॉल है। तभी साई कॉल करती है, साई पूछती है कि मैंने आपकी सब पैकिंग कर दी है, और क्या और कुछ पैकिंग करना है तो बता दीजिए। तभी साई को विराट कहता है कि एक आईडी कार्ड भी रख लो, क्योंकि एयरपोर्ट पे ज़रूरत होगी। जब साई विराट से बात करते रहती है कि पाकी उसे आके देख लेती है और समझ जाती है कि विराट साई से ही बात कर रहा था। और आके पाकी को कहती है कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, तुम विराट से इतना अच्छे से क्यों कैसे बात कर रही हो। तो साई बोलती है कि हाँ, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं तबीयत भी ठीक हूँ और मेरी सोच भी ठीक है, मैं कभी गलत नहीं सोचती, ऐसा कुछ कह के वहाँ से चले जाती है पढ़ने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ जो साई है, जो अपनी ननन दिव्यानी है, उसके पास जाती है, उससे बात करती है, उससे पूछने की कोशिश करती है कि कौन है उसका हस्बैंड, लेकिन वो नाम तो नहीं बताती है, लेकिन बहुत रोते रहती है कि वो उसको हस्बैंड से मिलना है। वही बात वो अपने प्रोफेसर, जो उसका सर है, वो उन्हें आके बताती है, ऐसा कुछ मेरी ननन है जो जिसे मैं बहुत चाहती हूँ, उनका नाम दिव्यानी है, वो सब कुछ और डिटेल्स तो अब सर को बताती है। सर जो है जानने के लिए बहुत बेताब रहता है कि वो सच में दिव्यानी ही है या कोई और है, लेकिन तब उसे पता चल जाता है कि सच में साई की ननन ही है जो दिव्यानी है। तभी वो आँख में आंसू लिए वहाँ से चला जाता है। साई सोचती है सर इतना इमोशनल क्यों हो गया, ऐसा सोच के साई भी वहाँ से चले जाती है। अब आने वाला ट्रैक में ये है फ्रेंड्स के विराट अभी तक तो किसी को नहीं बताया कि इस ट्रिप पे साई भी चलने वाली है पाकी और विराट के साथ, लेकिन अब जैसा ही सब निकलने के लिए रेडी होते हैं तभी ये बताया गया कि साई भी चलने वाली है। लेकिन पाकी बहुत नाराज़ हो जाती है, वो सोचती है कि साई को वो हनीमून ट्रिप पर लेके जा रहा है, बहाना तो सिर्फ सम्राट के काम का है, लेकिन वो असली में हनीमून ट्रिप पर लेके जाना चाह रहा है, ऐसा कुछ कह के ऐसा सोच के वो वहाँ से चले जाती है। लेकिन अब क्या ये दोनों साथ में जाएंगे, या इन दोनों के बीच की गलतफहमियाँ दूर होंगे, ये सब कुछ आने वाले एपिसोड्स में आपको पता चल जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आने वाला ट्रैक बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स लाने वाला है सीरियल में। तो देखते रहिए हमारे चैनल को, हम आपको लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे। तो अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करिए। तो थैंक यू वेरी मच, दुआओं में याद, अल्लाह हाफ़िज़।